अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज जो किताब मेरे हाथ में है उसका टाइटल है द ग्रेटनेस गाइड बाय रॉबिन शर्मा। ये किताब है द ग्रेटनेस गाइड बाय रॉबिन शर्मा। मैंने इस किताब को एक मरतबा पढ़ा था और मेरा दिल था कि मैं इसको एक और मरतबा पढ़ूं, लेकिन इस दफ़ा मैं वीडियो के साथ जो है इसकी इंटरप्रिटेशन करता चला जाऊं। तो जो टाइटल है अभी मेरे हाथ में वो है बी ए रॉक स्टार एट वर्क, यानी कि आपको अपने काम में रॉक स्टार होना चाहिए। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग बिकॉज ऑफ समटाइम क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाती है। आप जिंदगी के अंदर काम कर रहे होते हैं, अचानक एक हादसा आपके साथ होता है एंड यू कम डाउन एंड यू कैन नॉट गेट अप ईजली इमीडिएटली। स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लाइफ इज लाइक दैट। लेकिन आपको कम आउट होना है, आपको बाहर आना है। अगर आप अपनी प्लेट में अपनी खुशियाँ नहीं डालेंगे तो कोई और नहीं डालेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात क्या हो रही है, बात हो रही है बी ए रॉक स्टार एट वर्क। तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ आपके साथ में और आप देखिएगा कि मैं क्या पढ़ता हूँ। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी। बींग ए रॉक स्टार इन वट एवर यू डू ईच डे टू पुट ब्रेड ऑन योर टेबल, यू अंडरस्टैंड। एक रॉक स्टार की तरह से काम करें। किस तरह काम करें? रॉक स्टार की तरह से ईच डे, हर दिन, टू ब्रिंग द ब्रेड ऑन योर टेबल, अपने टेबल पे खाना लाने के लिए, अपना रिस्क कमाने के लिए। गुड थिंग्स हैपन टू पीपल हु डू गुड थिंग्स। अच्छी चीज़ें उन लोगों के लिए होती हैं जो अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं। हमें भी सोचना चाहिए, हम भी गलतियां करते हैं, हमें भी मिस्टेक्स है। वी आर नॉट परफेक्ट बेसिकली इन द लाइफ, बट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट वी आर सपोज टू मूव ऑन इन सच अ वे दैट वी कैन ऐड वैल्यू इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक और बात इसके अंदर कहता है रॉबिन शर्मा, फिर मैं दोबारा आऊँगा इसके टाइटल पे। तो कहता है आई एम नो गुरु। फिर वो जो बात उसने कही है वो इम्पॉर्टेंट है। आई हैव हैड गुड सीजन्स एंड सम डीपली पेनफुल वंस। मेरी जिंदगी में कुछ दिन बहुत अच्छे हैं और कुछ बहुत पेनफुल होते हैं। मैंने गुड च्वाइसिस बनाई जिंदगी में और कुछ बड़ी मिस्टेक्स हो गई मुझसे। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी आर नॉट परफेक्ट। हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन इज द बिजनेस ऑफ अल्लाह। आई एम ए वेरी ह्यूमन, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, ए वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन मैं उनको करेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मैं तमाम उन लोगों से जिन के लिए मुझे महसूस होता है कि मुझसे गलतियाँ हुई, मैं उनसे माफ़ी का तरफगार हूँ। मैं अल्लाह सुबहाना ताला से माफ़ी का तरफगार हूँ उस मेरी गलतियों के लिए। बट मैं एम नॉट परफेक्ट, आई एम ए ह्यूमन बींग। हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं और हमें, अगर हमारे सामने किसी से गलतियाँ हो रही हैं तो हमें उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ जाना है, जैसे लोग अच्छे लोग कर रहे होते हैं। एनीवेज वी कम बैक टू द वीडियो अगेन। एंड वो क्या कहता है इसमें, वर्क गिव्स मीनिंग टू अवर लाइफ। काम हमारी जिंदगी को मतलब देता है। काम क्यों? कि हम सब तो मर जाते हैं, तो हमारा जो काम है वो आने वाली नस्लों के लिए एक मशअले राह होता है। वो उनको उन कमज़ोर लम्हों में जब वो मौजूद होते हैं तो वो उनको उठने का हौसला देता है। जी, जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था यहाँ पर, या चाहता हूँ, वो क्या है वो सुनिए। वो कहता है कि यू डू नॉट नीड टू हैव द बिग टाइटल टू डू द बेस्ट जॉब। आपको बेहतरीन काम करने के लिए उम्दा टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं ए मैन ऑफ स्टेटस, एक होता है मैन ऑफ वैल्यू। यू मस्ट बी ए मैन ऑफ वैल्यू। स्टेटस तो आते जाते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो उतरते और चढ़ते रहते हैं, चढ़ते और उतरते रहते हैं, आपको पता है सारा का। ये सुनने वाली बात है, इफ ए मैन इज कॉल्ड टू बी ए स्ट्रीट स्वीपर ही शुड स्वीप स्ट्रीट्स। कैसे वो स्ट्रीट साफ करें? अगर कोई शख्स स्वीपर है, सफाई का काम करता है, जमादार कहते हैं जिसको हम, तो अगर कोई शख्स जमादार का काम करता है तो वो ऐसा काम करे, कैसा काम करे? एज शेक्सपियर रोट पोएट्री,
जैसे शेक्सपियर पोएट्री लिखते हैं, शेक्सपियर साहब जो है वो जो पोएट्री लिखते हैं, ऐसा काम करें। कैसा काम करें? ही शुड स्वीप स्ट्रीट सो वेल दैट ऑल द होस्ट ऑफ द हेवन, वो इस तरह साफ करें स्ट्रीट्स को कि ऑल द होस्ट ऑफ द हेवन, जितने भी होस्ट हैं हेवन के, एंड अर्थ, होस्ट ऑफ हेवन एंड अर्थ विल पॉज टू से, रुक जाए और कहने पे मजबूर हो जाए, क्या कहने पे? Here lived a great sweep. Here lived a great street sweeper who did his job well. I repeat for you. Robin Sharma साहब ये कहते हैं अपने एक टाइटल में, इसका टाइटल नंबर 4 है, और 4 ये be rock star at work. वो कहते हैं काम ऐसा करें, चाहे आप एक स्वीपर ही क्यों ना हो, काम ऐसा करें कि लगे कि शेक्सपियर ने कोई पोएट्री लिख दी, या किसी आर्टिस्ट ने बहुत बड़ी पिक्चर जो है उसने एक नादिर नमूना पेंट कर दिया। इस तरह वो स्वीपर काम करे, इस तरह मैं अकाउंटिंग पढ़ाऊं, इस तरह आप लोग अपने काम करें। किस तरह? कि वो स्वीपर अगर साफ करे तो जन्नत के और जमीन के जितने भी होस्ट हैं वो ये कहें, हियर लिव्ड ए ग्रेट स्ट्रीट स्वीपर हु डिड हिज जॉब वेल। अपना जॉब वेल जो करना है वही तो क्यामत की बात है, वही तो जबरदस्त बात है। ये रॉबिन शर्मा ने कहा, मुझे पसंद आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। मुनव्वर हमीदी ज़ेर फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।